आरोग्य सभा के इस पवित्र कार्यक्रम में हम कई प्रकार के औषधीय पौधों को लेकर के आपके बीच में हम आए हैं और ये पौधा सदियों से हमारे गांव में हमारे परिवार की तरह अभिन्न अंग के रूप में हमारे साथ रहते आए हैं। भले ही हमारे परिवार वाले छूट जाते हैं लेकिन ये पौधा सैकड़ों वर्षों से हजारों वर्षों से हमारी रक्षा करते हैं, प्राणवायु को शुद्ध करते हुए या उनके जो भी औषधीय गुण हैं उन औषधीय गुणों पर वह चर्चा करेंगे और कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को भी गांव में उपलब्ध जड़ी बूटियों के द्वारा आयुर्वेद के माध्यम से कैसे हम दूर करते हैं उसके बारे में भी आप सीखेंगे समझेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बार ओम का उच्चारण और एक बार गायत्री मंत्रों के जाप के साथ शुरू करेंगे। सभी ध्यान मुद्रा में सीधे बैठेंगे, सांस पूरा भरिए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। ओम आप सभी दिव्यात्माओं को। मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और हम आपको आज दैनिक दिनचर्या के बारे में सबसे पहले हम बताएंगे। कारण कि हम और आप जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा उठना बैठना, सोने का तरीका, खाने का तरीका, पानी कब पीते हैं, हमें कैसे बैठना उठना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर यानी आहार विहार जब गड़बड़ा जाता है तो हम लोग बीमार होने लगते हैं और जब बीमार हो जाते हैं तो लाख प्रयास और प्रयत्न करने के बावजूद भी हम उन बीमारियों को दूर नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सायंकालीन सत्र से शुरुआत करते हैं। रात को यानी शाम को सबसे पहले यानी जल्दी भोजन कर लेना चाहिए, 7 बजे 6 बजे 8 बजे भोजन, जितना जल्दी शाम को भोजन करिएगा उतना ही आपके लिए लाभप्रद होता है। भोजन करने के बाद रात्रि में 100 कदम टहलना जरूरी है, अति आवश्यक है। आप लोग टहलते हैं रोज? बोलिए छोटू, आप लोग रात में भोजन कितने बजे करते हैं? बोलिए कै बजे करते हैं माता? 9 बजे। बहुत अच्छा। मान लीजिए कि 9 बजे करती हैं तो खाना खा करके टहलते हैं आंगन में या बाहर में? 100 कदम टहलना अति आवश्यक है रात में भोजन करने के बाद, और भोजन करने के 2 घंटे के बाद सोना चाहिए। कितने घंटे के बाद? 2 घंटे। वैसा होता है आपके साथ में कि खाना खाए और लुढ़क गए? नहीं, बैठते हैं थोड़ा। बैठना नहीं माता जी, खाना खाइए उसके बाद इधर लगे। भोजन करके सभी लोगों से निवेदन है कि इस प्रकार वज्र आसन में बैठ जाइएगा, सीख लीजिए, खाली बैठ कर देख करके पैर मोड़ करके बैठ गए, इसका नाम है वज्र आसन। क्या नाम है इसका? वज्रासन। भोजन करने के बाद 5 मिनट बैठना चाहिए, चाहे कितना भी जरूरी काम आपको आ जाए 5 मिनट बैठिए, उसके बाद फिर आप यात्रा करिए। ऐसा करने से जठर प्रदेश में भोजन प्रवेश कर जाता है और जो पाचक रस निकलता है वो सीधे हमारे अन्न को यानी हमारे भोजन को पचा देता है और हम लोग गैस कब्ज से मुक्त रहते हैं। तो ऐसा जो बैठेगा उसको जिंदगी में कभी गैस कब्ज होगा ही नहीं, एकदम सरसिया दवाई है ये वज्रासन। 5 मिनट समय है तो 10 मिनट भी बैठिए। दिन भर कितना भी थकान में है, खूब काम किए हैं, शरीर टूट रहा है, वज्रासन में 10 मिनट बैठकर ऐसे हाथ कर लीजिए, लगेगा कि सब दर्द निकल रहा है, शरीर से बाहर हो जाता है तो दर्द भी इससे दूर हो जाता है। तो भोजन करने के बाद कौन से आसन पर बैठेंगे हम लोग? भोजन करने के बाद कौन से आसन में बैठेंगे? कितने मिनट बैठेंगे? 5 मिनट बैठेंगे। उसके बाद में 100 कदम टहलना है। कितना कदम? 100 कदम। 100 कदम घर में टहलिए, आंगन में टहलिए या रेलिंग दिया हुआ छत है उस पे टहल लीजिए, और टहलने के बाद 2 घंटे के बाद रात में सोना चाहिए।
लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। पहले क्या था, इधर पहले के समय में मान लीजिए कि घर यहाँ पर है तो दालान लगभग 100 कदम दूर पे होता था। उसके जब हम खाना खाकर दालान पे जाते थे तो दालान पे जाकर के आदमी कथा कहानी कहता था, या माँ बहने भी घर में दादा दादी नाना नानी है तो कथा कहानी होता था, और भोजन करने के बाद 2 घंटा कथा कहानी सुनते सुनते अब आदमी को पता नहीं चलता था कब आँख लग गई। क्या आजकल तो गोली खा रहे हैं, ताकत आदमी कब नींद आए कब नींद आए, ताकत ताकत ना आदमी के माथा खराब हो जाता। पहले एकदम सब नेचुरल होता था और आदमी सो गया और फिर 4 बजे नेचुरल नींद आदमी का टूट जाता था। रात में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, कारण कि हमारा जो अंग होता है वो सब शिथिल हो जाते हैं सोने पर, तो रात में ज़्यादा पानी नहीं पीना, लेकिन 24 घंटे में 5.5 से 6 लीटर पानी सबको पीना चाहिए। कम पानी पीजिएगा तो पथरी हो जाएगा, अब पथरी हो जाएगा तो भाई पत्थर चट्टा का हम बताएंगे, ये पथरी को दूर करता है, लेकिन पथरी मनाने के क्या जरूरत है, क्या अब लड़ाई झगड़ा करें फटाफटी माथा फाड़े डॉक्टर के यहाँ जाएं, नहीं तो लड़ाई नहीं करेंगे ना डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, पानी खूब पियेंगे कपाल भाती मारेंगे ऐसे पथरी नहीं बनेगा, तो कभी भी जरूरत की जरूरत आपको दवा की जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हारे। तो आप सभी दिव्य आत्माओं को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि रात में आप बाएं करवट सोइए, सुबह जग करके बड़े लोग 3 गिलास पानी पी रहे हैं, कितना गिलास, 3 गिलास पानी पीना है, 3 गिलास पानी। सुबह उठ करके बिना कुल्ला किए हुए आप गर्म पानी सुसुम पानी पीते हैं तो आपके लिए अमृत के समान है। ताजा पानी न पी करके गर्म पानी पीजिएगा आप लोग, क्या आप कैसा पानी पियेंगे, गर्म पानी पीना है और 3 गिलास पीना है सबको, बड़े आदमी को जबरदस्ती पी लेना है, उल्टी जैसा मन करे तो मुंह में उंगली डाल करके और उल्टी कर दीजिए तो पूरा अंदर का कचरा बाहर निकल जाएगा। और किसी किसी को पानी पीने पर उल्टी जैसा मन करता है, होता है ऐसा, पिया दीदा लगे कि भूल आने लगा आदमी को, तो उस आदमी को कहिए कि खड़ा हो जाइए पूरा नरेटी भर पानी पिला दीजिए 3-4 गिलास जबरदस्ती, और आगे झुकाकर और मुंह में उंगली ऐसे करिएगा तो पूरा का पूरा पानी फेंक दीजिएगा, पानी फेंकिएगा तो अंदर का सब मैल भी साथ में निकलेगा, तो 3-4 दिन के बाद उल्टी वाला करने वाला धंधा खत्म हो जाएगा बीमारी। जिसको बस में जाते हैं उल्टी हो जाती है, गाड़ी में चढ़ते हैं तो उल्टी हो जाती है, मोटरसाइकिल पर चढ़ने पर उल्टी होने लगती है, तो उसके लिए सुबह सुबह पानी पिएगा जो, उसको कभी उल्टी होने की समस्या होगा ही नहीं जिंदगी भर। उसका सोच बढ़िया होगा, पखाना साफ होगा, जिसका पेट साफ रहेगा उसको ना लकवा मारेगा, ना किडनी खराब होगा, ना हार्ट अटैक होगा, ना कैंसर और किसी प्रकार की अन्य प्रकार की बीमारियां होंगी। ये है दैनिक दिनचर्याओं का लाभ।